हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजय कुमार एंड आप मुझे देख रहे हैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के चैनल पे। जो भी आज का अभी हम अभी का हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कलर्ड आयंस। सो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज चला रहे हैं और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारा आ गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयंस शो करते हैं। सो अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ एलिमेंट्स के नाम, कुछ आयंस के नाम दिए होते हैं और पूछ लिया जाता है आउट ऑफ दीज आयंस विच आयन शो कलर विच आयन डू नॉट शो कलर, या फिर पूछ लिया जाता है आउट ऑफ दीज वेदर दे आर कलर्ड और कलरलेस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सी एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। जो भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और आफ्टर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से कितना निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला या दो निकला या तीन निकला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बची। अगर आप आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना जानते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है, आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ध्यान से देखना है कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। So, इसमें यहां पे आपको तीन तरह के केसेस देखने को मिलेंगे। ऐसे डी ऑर्बिटल जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे आर फुली एम्प्टी। सो ऐसे केसेस में कलर शो नहीं होगा, या फिर डी ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, उसके सारे के सारे ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे हुए हैं, उस केस में भी कलर देखने को नहीं मिलेगा। जो तीसरा केस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, उस केस में कलर देखने को मिलेगा। सो जो भी कंपाउंड आपसे पूछे जाएंगे वो कंपाउंड्स कलरलेस कौन सी कंडीशन में होंगे, कलरलेस होंगे इफ डी ऑर्बिटल इज एम्प्टी या फिर फुली फिल्ड। और कलर्ड कब होंगे, कलर्ड होंगे व्हेन डी ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो जो भी पर्टिकुलर आयन आपको एग्जाम में देके पूछा जाता है आपने बस यही देखना है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाई दे शो कलर, बस एक ही आंसर देना है, बिकॉज दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल डी सब शेल, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग कलर्ड आयंस। सो कलर शो करते कैसे हैं और क्यों। सो सबसे पहले इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम ये वाला को टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम अलग से एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। सो उस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी डिस्कस की थी जिसमें हमने क्या बताया था, जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, जब भी अब मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाली मेटल्स मोस्टली डी ब्लॉक की ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ लिगेंड आकर जुड़ते हैं, वो लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज मोस्टली होते हैं, मोस्टली नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। तो जब वो आकर अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद जैसे जैसे वो मेटल आयन कौन सी ट्रांजिशन मेटल आयन के पास आते हैं तो ट्रांजिशन मेटल आयन का डी ऑर्बिटल जो डी सबशेल था उसके टोटल 5 ऑर्बिटल थे जिनकी सेम एनर्जी थी, वो दो अलग अलग सेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब लिगंड सेंट्रल मेटल आयन के पास आते हैं तो उसके पांचों ऑर्बिटल दो सेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एक सेट की एनर्जी कम होती है दूसरे सेट की एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर, एक सेट की एनर्जी कम होती है दूसरे सेट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इनको हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं T2G एंड EG। सो आफ्टर दैट इनके नाम आप हमने +1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, इनके नाम क्या होते हैं जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX²-Y² एंड DZ². सो ये नाम हम ऑलरेडी +1 में शेप्स के जब हम शेप्स कर रहे थे तब डिस्कस कर लिए थे। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही लिगन सेंट्रल मेटल एटम के पास आए, आयन के पास आए, तो उसके पांचों ऑर्बिटल दो सेट में ब्रेक डाउन हो गए, एक सेट की लोअर एनर्जी दूसरे सेट की
हायर एनर्जी होगी। इस चीज को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। यहां पे ऐसे ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो आफ्टर दैट जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, सो फॉर एग्जांपल यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो उन 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे, यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या हुआ, अपर वाले दो जो डी ऑर्बिटल्स है दे आर एम्प्टी, वो खाली हैं। सो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करके ऊपर में जा सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और इस पर्पस के लिए इसको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस। क्लियर। सो आफ्टर गेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट दे कैन जंप टू द हायर लेवल। सो जैसे ही व्हाइट लाइट इस पे आके टकराती है, उसका कुछ पोर्शन ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिमेनिंग पोर्शन ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन ट्रांसमिट करते हैं, वो रिमेनिंग पोर्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। क्लियर। अभी यहां पे एक और पॉइंट अच्छे से सुनना, जब भी कोई व्हाइट लाइट आई उसमें से जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, हमेशा उसकी कंप्लीमेंट्री कलर वाली लाइट को ही ये ट्रांसमिट करेंगे। सो एब्जॉर्ब्ड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट्स आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री। सो यहां पे अगर किसी कंपाउंड ने रेडिश लाइट को एब्जॉर्ब किया है, सो दैट कंपाउंड विल शो ब्लूइश कलर। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं बेसिकली, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा कि कौन से आइन कलर शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। सो आपने बेसिकली किस चीज का ध्यान रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। और कलर शो क्यों करते हैं, बिकॉज इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो लेवल में ब्रेक डाउन हो चुके हैं, तो जब भी व्हाइट लाइट इन पे स्ट्राइक करती है, इनके इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाते हैं, जिसमें जिस दौरान कुछ लाइट का पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचा हुआ पोर्शन जो ट्रांसमिट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ दीज कंपाउंड्स। सो इन वीडियो लेक्चर्स में मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स कवर अप कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसमें मैं कोई भी आपके साथ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे उनके आंसर दिए जा सकते हैं। जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए कि आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। आपने जस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, अगर पूछ लिया जाए कलर क्यों शो करते हैं और कैसे शो करते हैं, तो वहां पे आप बता सकते हो कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर लेवल पे जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सो जाने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और न्यू अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो।